एक छोटा फ्रेम वेल्डिंग करके कटिंग वटिंग करा के ना प्राइस इसका लग गया भाई करीब मेरे 2-2.5 इंच यहाँ पे उड़ जाएगा और इस तरीके से सामने इसकी लुक आएगी। ऐसे किस किस बाइकों के लिए आता है? सारी बाइकों के आते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी होती है, KTM वगैरह। जब से जयपुर से आई है, जब से ये भाई अपने ना काफी ज्यादा मिसिंग मार रही है। ये रैप हुई है और ये अभी ओरिजिनल है, तो इसमें और इसमें फर्क देखो कन्नू भाई की हाथ की फिनिशिंग। तो इसको ना कुछ इस तरीके से कटिंग करके जल्दी से बाकी फरियाद दिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम लगा आपका। वो अभी पहले ही बता देता हूँ कि इसके ना, चलो छोड़ो अभी नहीं बताता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट और 2 मिनट रुक जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, चिल करो, फिल करो, जो भी करो मिलके करो। सो गाइस फाइनली फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस फाइनली मेरी दमदार सेना बहुत ही बढ़िया होंगी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, जिसमें कि आज मैं अपनी केदार बाइक में कुछ यूनिक तो है लेकिन वो अपनी केदार बाइक में पहली बार होने वाला है, यानी कि अपनी हीरो स्प्लेंडर 2021 के मॉडल में, जिसमें कि अपनी केदार बाइक रहने वाली है, उसमें हम लोग आज नंबर प्लेट का फ्रेम लगवाने वाले हैं। फ्रेम ऐसा जो शायद आपने सिर्फ ओनली सुपर बाइक्सों में ही देखा है, तो वो फ्रेम आज मैं लगवाने वाला हूँ अपनी केदार बाइक में। उसको कस्टमाइज वगैरह करेंगे पूरी वीडियो में, आज बहुत मज़ा आने वाला है, फुल वीडियो को एंजॉय करना। तो मैंने कन्नू भाई से ऑर्डर के लिए बोला था कि भाई वो मंगवा लेना फ्रेम, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अपनी केदार बाइक में कुछ अलग ही यूनिक टिप्स अपने दिमाग के लगा के उसको अपनी केदार बाइक को तैयार करते जा रहे हैं। तो दोस्तों बाकी कंटिन्यू अपने ब्लॉग भी चल रहे, डेली ब्लॉग्स भी समझो आ ही रहे कि आज कल परसों एक दो दिन छोड़ के अपना ब्लॉग्स आ ही जाता है। तो आप लोग सपोर्ट और प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, क्योंकि आपका भाई अब इस टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि 200 वीडियो का टारगेट है आपका, मैंने पहले भी बताया है। कोई भी ब्लॉग आए प्लीज़ सपोर्ट करो, राइडिंग से रिलेटिव, मॉडिफिकेशन एंड ट्रैवल, जो भी भाई आपको ब्लॉग आए इस चैनल पे, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट और प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ। पिछले परेशानियाँ खत्म नहीं हुई लेकिन 2024 से हो सके तो इसमें हम आप लोग सपोर्ट और प्यार करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा टेंशन नहीं है, फिर भी आपका भाई अब काम कर रहा है। प्लस साथ ही साथ ये है, फटाफट से अब चलते सीधा कन्नू भाई की शॉप पे अपनी बाइक को लेके, और वहाँ से वो जो अपना फ्रेम मैंने मंगवाया है वो कन्नू भाई लेके आए या नहीं लेके आए वो लेते हैं, फिर अपना चलेंगे सीधा वेल्डिंग वाले भैया के पास और वहाँ पे कराएंगे उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज, कैसे क्या करना है क्या नहीं, वो आप लोग फुल वीडियो को एंजॉय करना। एंड दिखाते हैं चलो वो फाइनली वाला फ्रेम कि वो फ्रेम कैसा रहने वाला है। चलिए आइए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड जो भी भाई चैनल पर नए एक वीडियो को बढ़िया से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अपने भाई के इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको शो रही है स्क्रीन पे, लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली आई एम रेडी। एंड ना कल मैंने आपको दिखाए थे कि यहाँ पे मैंने इंडिकेटर का 1000 फ्लैशर लगाया था, 1000 फ्लैशर की आपने देखा था, ये क्या बात है, जिसने नहीं देखा भाई ये देखो 1000 फ्लैशर की, भाई साहब क्रेजी है एकदम। मतलब कि ना जो इसके अंदर फ्लैशर लगा ना बहुत जानदार लगाए, और इसके फंक्शन देखो भाई कितने तगड़े चल रहे ना, और इसको मैं बदलूंगा ना तो ये देखो भाई मोड बहुत सारे हैं। कन्नू भाई की शॉप से लगाया था मैं कल, अब सीधा फटाफट से चल रहे कन्नू भाई की शॉप पर और आपको दिखाते हैं अपना वाला प्यारा सा एक बढ़िया सा फ्रेम। और चलिए चलिए गाइस फाइनली घर से निकल गए हैं अपने कन्नू भाई की शॉप के लिए, और कराते हैं फटाफट से अपना काम, और सभी को हर हर महादेव। सो गाइस बाकी यही है कि भाई अपनी बाइक में ना अलग ही जान आई जा रही है, बस ना सर्विस का मामला है थोड़े से ना, अपनी गाड़ी ना मतलब अपनी केदार बाइक ना थोड़ी मिसिंग वगैरह मारने लगी है। जब से जयपुर से आई है, जब से ये भाई अपने ना काफ़ी ज़्यादा मिसिंग मार रही है। क्यों मार रही है भाई इसके, तो भाई इसका इलाज तो पता नहीं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कमल उस्ताद जी के पास, वही अपना के यहाँ पे कराएंगे भाई अपना क्या बोलते हैं इसका सर्विस का काम, प्लस इसका ना 2-4 काम और भी होने हैं, तो वो आपको धीरे धीरे आके वीडियो आती रहेगी उसमें आपको पता लगता रहेगा। बाकी ना अभी फटाफट से सीधा कन्नू भाई की शॉप पे पहुँचते हैं, और कन्नू भाई की शॉप पे फाइनली हम आने वाले हैं सामने कन्नू भाई की शॉप, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं फ्रेम। फ्रेम का प्राइस वगैरह भी मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है जी। बाकी देखते जल्दी से जल्दी आप फुल वीडियो को इन्जॉय करो, और लगाते सीधा कन्नू भाई की शॉप पर। एंड यहाँ फाइनली हम लोग कन्नू भाई की शॉप पे आ गए, कन्नू भाई सामने ऊपर, और फाइनली यहाँ लगाते जल्दी से अपनी बाइक और दिखाते आपको वाला फ्रेम कि वो फ्रेम कैसे रहने वाला है। यहाँ लगाते स्टैंड। तो गाइस कन्नू भाई की शॉप मागे हाल का ग्राफिक्स पॉइंट। कन्नू भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया कन्नू भाई, कमेंट तो बहुत अच्छे देखने को मिले, हमारा जो 1000 फ्लैशर आपने लगाया ना मज़ा आ गया भाई, मतलब लोगों के कमेंट है। फ़ोन वगैरह आए आपके पास कुछ? कोई नहीं आ जाएंगे, बाकी ये है कि ये रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिला है, 1000 फ्लैशर के कमेंट बहुत तगड़े है भाई, मज़ा आ गया भाई। कन्नू भाई वो जो मैंने फ्रेम मंगवाया था आपसे नंबर प्लेट का, वो लेके आए हो आप?
दिखा दो एक बार कैसा वो रहने वाला है। बाकी भाई के शॉप पे विजिट करो भाई, माँ काल का ग्राफिक्स पॉइंट भाई की शॉप है, एड्रेस और नंबर आ रहा है। और बाकी भाई भाई का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे अक्सर। बाकी आपको फ्रेम दिखाते हैं, ये देखो, और ये देखो भाई क्या बात है। तो कन्नो भाई ये फ्रेम जो है ये तो वैसे डोमिनार का लिखा हुआ है, डोमिनार। ये वैसे किस किस बाइकों के लिए आता है? सारी बाइकों के आते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी होती है, KTM वगैरह, MT वगैरह, इन सब के आते हैं। तो भाई ये मतलब सुपर बाइकों के लिए होते हैं, लेकिन ये है भाई अपना डोमिनार का, जिसको हम लोग करवाने वाले कस्टमाइज। और ये फ्रेम ना आतंक मचा देगा अपनी केदार बाइक में। कन्नो भाई कैसा लगेगा, कैसे सोच रखी है मैंने? अभी तक तो किसी ने लगाया स्प्लेंडर है ना, किसी ने नहीं लगाया, इसे करवाने वाले हम लोग कस्टमाइज। और ये फ्रेम ना बहुत तगड़ा ही रहने वाला भाई। अपनी स्प्लेंडर लगा के आपको दिखाता हूँ वहाँ पे रख के थोड़ा सा, कि ये कैसा लगने वाला है। ये देखो भाई यहाँ पे जो ये नंबर प्लेट है ना, ये खोल के मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यानी कि ये जो नंबर प्लेट का फ्रेम है ना, ये फ्रेम यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, 2.5 इंच यहाँ पे उड़ जाएगा। और इस तरीके से सामने इसकी लुक आएगी भाई, देखो कितना जेन्युइन लगेगा ना। जो अपनी यहाँ पे नंबर प्लेट लगी हुई ना, ये नंबर प्लेट यहाँ से हटने के बाद ना, यहाँ पे हम लोग कुछ अलग चीज़ सोचेंगे जो कि यहाँ पे कुछ खतरनाक ही लगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे इसको करवाने वाले हैं अपने यहाँ पे बेल्ट, तो यहाँ पे कटिंग वगैरह करवाएंगे, इसको देखेंगे इस पर क्या करना क्या नहीं। यहाँ पे मैंने करने वैसे फ्रेम तो मंगवा लिया है, अब देखते हैं अगर ये लगता है तो अच्छी बात है, बाकी तो भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये। कन्नू भाई इसका प्राइस वगैरह अभी बताओगे, क्योंकि इसका ना मेरे को फिटिंग भी करानी है, नंबर प्लेट भी फिर आप ही लगाओगे। अभी तो मैं इसे बेल्ट वगैरह कटिंग वटिंग कराने ले जा रहा हूँ, तो आप ऐसे ले जाओ। अभी आप ऐसे ले जाओ ना, तो भाई पैसे वैसे पैसे भी रहने दो, चलो कोई नहीं। बाकी यहाँ से नहीं इतना कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद कुछ पत्ती या जुगाड़ वगैरह करके वो बेल्डिंग वाले भैया के पास चलते हैं, और वहाँ पे वो दिखाएंगे कि भाई इसको कैसे फिटिंग करना है कैसे नहीं। बाकी मैंने जितना अपना दिमाग लगाया वो तो लगाया, बाकी थोड़ा बेल्डिंग वाले भैया से भी राय ले लेते हैं कि इसको फिटिंग कैसे करना है। वो फिटिंग की क्योंकि उनका रोज का काम होता है भाई, वो अपने आप से बता भी देंगे। तो बाकी आप लोग फ्रेम का प्राइस वगैरह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी दोबारा करने वाले की शॉप पे आऊँगा नंबर प्लेट लगवाने, तो अभी सीधा चल रहे अभी बेल्डिंग वाले भैया के पास, वैसे कराते फिटिंग वीटिंग भाई। बाकी फटाफट से लेके चलते इसे, और इसे अपने डिग्गी में डाल लेते पहले, फिर यहाँ से सीधा लेके चलते अपने बेल्डिंग वाले भैया के पास, जिससे मैंने क्रैश गार्ड बनवाए थे। क्रैश गार्ड जो बने थे ना, कसम से जहर लग रहे हैं बिल्कुल। और फटाफट से इसे रखते हैं और निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हमने रख दिया उसको, फ्रेम को भी अंदर, और फटाफट से अब चलते हैं अपने बेल्डिंग वाले भाई के पास। चले गाइस फाइनली निकल गए कन्नू भाई की शॉप से, और कराते हैं फटाफट से बेल्डिंग वाला काम। और ना वो जो होगा ना प्राइस वगैरह आपको आके बताता हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने दूसरे भैया के पास पहुँचने वाले हैं, अपने बेल्डिंग वाले भैया के पास। पहले वाले जिन भैया से मैंने क्रैश गार्ड बनवाया था ना, उन पर नहीं है टाइम, क्योंकि वो गए हुए किसी साइड पे। सो गाइस फाइनली हम अपने दूसरे भैया के पास आ गए हैं, थोड़ा सा बेल्डिंग काम कराने, प्लस माना क्या हुआ था कि वो भैया अभी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अपने दूसरे वाले भैया से कराते काम। यहाँ पे चंदा हो जाते हैं हमारे बेल्डिंग का काम। कैसे हो भैया, छोटा सा काम करना कर दोगे ना? दिखाऊँ फ्रेम है एक आगे का, मतलब एक कस्टमाइज करना है उसको, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया को फटाफट से यहाँ पे खोल के दिखाते हैं अपना फ्रेम। ये फ्रेम है ऐसा, तो इसको ना कुछ इस तरीके से कटिंग करके यहाँ पे दोनों बराबर करके, पहले ये दो एक नट खोल के ना एक्सल निकाल के वो मैं ला रखा हूँ जार, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रायंगल पत्ते बना लो जिससे इसको नट लगा देंगे या बेल्डिंग। सो गाइस फाइनली मैं भैया की शॉप पे पहुंच गया था। बाकी यहाँ पे ना मैंने भैया को फ्रेम पकड़ा दिया है, इन्होंने यहाँ से कटिंग कर दी है। प्लस ना यहाँ पे क्या है कि ये अभी एक्सल निकालने के बाद ना यहाँ पे दो पत्ती बनाई जाएगी, जो कि भाई ट्रायंगल होके बनेगी, जिससे कि वो इस पत्ती के अंदर यहाँ पे बेल्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम नट लगाने की सोचते थे, लेकिन नट में ना ये क्या है कि झूलेगा, है ना भैया, ऐसे ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया है ना, यहाँ पे कर रहे हैं भाई इसको बेल्डिंग करा दो हैंड टू हैंड। बाकी ये कैसा लगेगा फ्रेम आप बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे तो बहुत तगड़ा ही लग रहा है और मज़ा आ जाएगा इस बार तो। एंड गाइस बाकी ये ना बहुत तगड़ी चीज़ करा रहा हूँ भाई, डोमिनार का अपनी नंबर प्लेट का फ्रेम आगे वाला, वो भी अपनी केदार बाइक में, क्या बात है। तो यहाँ पे भैया साइज़ वगैरह लेके फटाफट से इसे यहाँ पे फिट करेंगे, फिर बेल्डिंग मारेंगे। सो गाइस यहाँ पे अभी भैया यहाँ पे काट के लाए एक बढ़िया पत्ती, जिसमें कि भाई इस तरीके से ना दो पत्ती बन के तैयार हो रही है, जो कि इसके अंदर बेल्डिंग हो जाएगी। बाकी हमने यहाँ पे एक्सल खोल के साइड कर दिया है। सो गाइस यहाँ पे अभी भैया कर रहे हैं हमारे, जितना ये एक्सल है ना, इसे जितना इसका साइज है, जितना ही साइज के दोनों की दोनों जो पत्तियाँ हैं ना हमारी, वो रख के सामने अभी यहाँ पे भैया छेद मारेंगे इनमें पत्तियों में,
और पत्ती के छेद करने के बाद फिर फिटिंग करके फिर वेल्डिंग करते हैं फटाफट से, इसे लगाते जल्दी से। सो गाइस यहाँ पे देखो भाई, एक पत्ती में छेद कर दिया, वो भी एक्सल यहाँ पे आना जाना हो रहा है, मतलब बिल्कुल अंदर बाहर जा रहा है। और ये चल रहा है भाई अपना फटाफट से एक और पत्ती में छेद, जो कि भाई बढ़िया काम कर रहे हैं भैया बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे दोनों की दोनों पत्ती में होगा छेद, क्या बात है। ये देखो गाइस दोनों की दोनों पत्ती में होगा छेद, आओ फटाफट से इसे वेल्डिंग करके फिटिंग करते हैं। सो गाइस काम हो रहा है डन, और जिसमें कि अभी यहाँ पे क्या है कि पत्ती भैया ने कस दिए हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं बस टाके, फटाफट से इसका मेजरमेंट ले रहे हैं बिल्कुल सीधा जो कि स्ट्रेट लगे, और जो हमारी प्लेट है ना वो भी बहुत सही तरीके से यहाँ पे आ जाए। तो अभी भैया यहाँ पे अब टाके मारेंगे, जिससे कि सिर्फ हल्के टाके होंगे वो, जिससे कि अभी यहाँ पे सिर्फ सैंपल देखा जाएगा भाई, यहाँ पे कोई भी जरा सा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है जी। सो गाइस फाइनली यहाँ पे फ्रेम हो चुका है बढ़िया तरीके से फिट, भैया ने वेल्डिंग करके पत्ती जो कर दी ना, फिनिशिंग जो दी है जानदार दे दी है एकदम। अब ना इसमें क्या है कि हमारे ना जो सलीम भैया है ना, जिससे कि मैंने यहाँ पे अपने साइड पे ना टॉप बॉक्स के यहाँ पे पेंट कराए थे, वो उनकी दुकान ना यहीं पास में ही है, तो उनके पास चल लें और ये ना थोड़ा बहुत पत्ती को पेंट वेंट करा के ना फिर भैया से फिटिंग करा लेंगे आके दोबारा से। तो अभी लेके चलते हैं यहाँ से सीधा, भैया ने फिनिशिंग वनिशिंग ना बहुत अच्छी दे दी है, बढ़िया काम कर दिया है। यहाँ पे हम लोग इसको पेंट करा के ले आते हैं, फिर फिटिंग करते हैं इसकी। सो गाइस फाइनली मैं आया था सलीम भैया के शॉप पर, सलीम भैया यहाँ पर अभी कहीं ज़रूरी इमरजेंसी काम किससे गए हुए हैं, प्लस यहाँ पे ना अभी हमारे छोटे छोटे भाई हैं, तो इसको ना अभी क्या है कि जो वेल्डिंग कराई है ना इसका जितना भी गंद है ना वो बढ़िया से यहाँ पे भैया अभी रगड़ के यहाँ पे साफ़ करके फिर यहाँ पे पेंट मारेंगे। दूसरे भाई हमारे यहाँ पे पेंट बना रहे हैं, प्लस यहाँ पे हमारे छोटे भाई यहाँ पे इसकी रगड़ के इसे सफाई वफाई करके बढ़िया से, जिससे कि पेंट बिल्कुल पकड़ पकड़ ले, ऐसे ही कुछ है ना। सलीम भैया कहाँ गए वैसे, आएंगे नहीं आएंगे आज, हॉस्पिटल गए हुए हैं, हॉस्पिटल गए हुए भाई किसी इमरजेंसी काम की वजह से, तो वो आज यहाँ पे है नहीं। भैया की शॉप यहीं पर ही है, जिसमें कि भाई मैंने पहले भी यहाँ पे साइड पे नहीं और टॉप बॉक्स वगैरह मैंने पेंट कराने आते रहते, हमारे वेल्डिंग वाले भैया वो फरियाद भैया वो यहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद है उनकी शॉप, जो कि वहाँ पे है अपनी केदार भाई खड़ी हुई, फटाफट से इसे पेंट कराते हैं और सीधा लेके चलते हैं भैया के पास, फिर इसे फिटिंग करा के सीधा कन्नू भाई की शॉप पे जाएंगे, नंबर प्लेट वगैरह भी इसकी फटाफट से फिटिंग कराते हैं। सो गाइस यहाँ पे फाइनली मैं अपना यहाँ पे पेंट करा के ले आया हूँ सलीम भैया की शॉप से, और यहाँ पे अब सीधा बस कसने की बारी है, और सीधा कस के ना अब यहाँ पे सीधा लेके चलते हैं कन्नू भाई की शॉप पे, जो कि भाई अपना यहाँ पे क्या कराना है, नंबर प्लेट यहाँ से खोलेंगे, अंदर वाला जो पहले वाला फ्रेम है वो हटा के और नंबर प्लेट इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है जी। फिर इसके सामने की लुक देखते हैं कैसी आती है कैसे नहीं, क्योंकि भाई, और आप लोग ज़रूर बताना अगर ये वीडियो में जरा से भी काम पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी यहाँ पर अपनी फरियाद भी आ जरा कर रहे हैं अपना इसको फिटिंग, बस लास्ट काम है एक्सल लगा के फिटिंग करके यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस फाइनली काम हो गया कंप्लीट, और आपको फ्रेम दिखाओ ना सामने से, देखो भाई क्या क्वालिटी आ रही है इसकी, ये देखो भाई लुक देखो सामने से। बस यहाँ से अब सीधा प्लेट लगवाते हैं, कन्नू की शॉप पर चल रहे हैं। एक्चुअली ना भैया के पास भी यहाँ पर रिपेयर चेंज का ट्रक का वेल्डिंग का काम ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहले होता तो मैं करवा लेता, लेकिन अब कोई नहीं, यहाँ पे सीधा कन्नू की शॉप पर चल के ये प्लेट खुलवा के फिर से फिटिंग कराते और निकलते जल्दी से। बाकी फरियाद भैया थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम लगा आपका और मज़ा आ गया भाई काम में। भैया ने दो चार काम दिए मुझे बताया सिलेंसर वगैरह के, तो वो मेरे दिमाग में माइंड आ गया कि देखते भाई कुछ ना कुछ तो करा ही लेंगे, कोई नहीं सोच के ज़रूर बताऊँगा, है नहीं करवा लेंगे वो भी काम, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली आप फटाफट से सीधा चलते कन्नू भाई की शॉप पर और कराते हैं जो हमारा नंबर प्लेट का काम है, ठीक है भैया चलो। सो गाइस फाइनली काम हो गया कंप्लीट और फटाफट से सीधा कन्नू भाई की शॉप पे पहुँचते हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है बाकी ना, अब सीधा बस कन्नू भाई की शॉप पे, और ये उतर गई भाई अपनी बाइक, और सामने के लिए लुक आ रही होगी ना क्या क्रेजी आ रही होगी, मेरे को भाई देख के ही अलग ही लुक लग रहा है कसम से, बाहर से सामने से अलग ही लुक आ रहा होगा, मज़ा आ जाएगा भाई सब। अब सीधा कन्नू भाई की शॉप पर पहुँच के और कराते हैं काम जल्दी से जल्दी एक नंबर प्लेट का, फिर इस वीडियो का एंड करेंगे, प्राइस वगैरह भी बताते हैं आपको कैसा रहने वाला कैसे नहीं, जल्दी से पहुंचते सीधा कन्नू भाई की शॉप पे। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं कन्नू भाई की शॉप पर, और बाकी अब ना कन्नू भाई यहां पे फटाफट से जो हमारे काम है ना वो दोनों के दोनों करवा दो, यहां पे कन्नू भाई रिपीट वगैरह निकाल रहे हैं, फटाफट से इसमें ड्रिल मशीन मार के ये फ्रेम और प्लेट दोनों के दोनों बाहर निकालेंगे,
और बाकी ना इसको थोड़ी ना प्लेट भी टेढ़ी मेढ़ी से हो रही है, थोड़ा ठोक पिट के इसको सही से सेट करके यहाँ पे लगवाते हैं। कन्नू भाई फटाफट से रेडियो फुल जल्दी से इसके कर दो और इसके प्राइस वगैरह पूरा टोटल बता देना। बाकी मैं आपको अभी पहले ही बता देता हूँ कि इसके ना, चलो छोड़ो अभी नहीं बताता हूँ, रुक जाओ दो मिनट और, दो मिनट रुक जाते हैं, बाकी इसे फिटिंग करते हैं जल्दी से जल्दी, फिर आपको टोटल प्राइस बता दूंगा क्योंकि इसमें बेल्डिंग और मैंने पेंट कराया, बेल्डिंग और पेंट के भी भाई खर्चा अच्छा खासा आ गया है। तो बाकी अभी फ्रेम का कन्नू भाई का जो रेट है वो भी आप लोगों को बताएंगे, बाकी जल्दी से इसे फिट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे पत्ती अपनी खोल दी है छोटे भाई ने हमारे, यहाँ पे नट लगा रहा है वापस जो कि इसको ना संभाल के रख लेंगे, घर में कभी भी काम आ सकती है। बाकी यहाँ पे अपने नंबर प्लेट को बढ़िया से अपने फिट कर रहे हैं यहाँ पे जल्दी से कन्नू भाई, और प्राइस बताते हैं फिर इसका कैसे रहने वाला। कन्नू भाई लुक तगड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? अबे यार क्या बात है, फटाफट से इसे फिट कर दो, क्या बात है, ये वार्सल वगैरह लगा के और ये हो रही अपनी नंबर प्लेट फिट। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कर दिया भाई फ्रेम, बाकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिट, और इसके ना लुक जो आ रही है ना काफ़ी तगड़ी आ रही है, और यहाँ पे आप लोग देखो भाई। तो भाई आप बताओ कैसा लग रहा है ये? बढ़िया लग रहा है ना, तो मतलब ये सुपर बाइक का भी इस टाइम रूप ले चुकी है पूरी की पूरी। कन्नू भाई कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है, औसम है ना भाई साहब, मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद आ गया ना, ये दिल खुश हो गया ऊपर से नीचे तक का इसका पूरा पूरा। आप लोग इसकी डिज़ाइन देखो, क्वालिटी से चेक करो सामने से, आय हाय क्या बात है, सुपर बाइक का लुक अपनी केदार बाइक पे, क्या बात है क्या बात है। अब फटाफट से इसका प्राइस बता दे फिर इस वीडियो का एंड करते। सो गाइस फाइनली यहाँ पे हो गया भाई अपने फ्रेम बढ़िया से फिट, और नंबर प्लेट सामने लग चुकी है, क्या लुक आ रही है ना। बाकी कन्नू भाई इसका प्राइस बता दो, पहले मैं अपना प्राइस बताता हूँ कि भाई इसको ना नॉर्मली एक छोटा फ्रेम बेल्डिंग करके कटिंग वटिंग करा के ना प्राइस इसका लग गया भाई करीब मेरे 450 रुपये। वैसे 450-500 का फ्रेम, 550 तो फ्रेम ही है, 550 का फ्रेम है। कस्टमर को आप कितने का लगाते हैं इसको? कौन से 550 लगा देते हैं, 550 का लास्ट फिटिंग वटिंग करके बढ़िया से। तो भाई मतलब कि ये तो डोमिनार का है ना, ये तो जुगाड़ करके। हाँ तो यही है कि भाई बेल्डिंग और पेंट के मेरे इसके अंदर एक्स्ट्रा पैसे चले गए, बाकी टोटल कितने 550-450 यानी कि पूरे कम से कम 1000 रुपये। अब बाकी डिस्काउंट वगैरह अपनी तरफ से कुछ दोगे मेरी बेल्डिंग में? तो भाई बेल्डिंग का सिस्टम ये है कि भाई बेल्डिंग के तो मैं ईमानदारी के बता दूं भाई 450 रुपये लगे हैं, बाकी आप कुछ अपनी तरफ से डिस्काउंट करोगे इसका? बाकी लग जाएगा आपकी तरफ से आएंगे तो सब्सक्राइबर थोड़ा बहुत 100-200 गिरेगे, नेट नहीं गिरेंगे, गिर जाएंगे। चलो बाकी भाई कन्नू भाई ने बता दिया मतलब 1000 रुपये का वैसे टोटल बता रहे हैं इनकी तरफ से 550 रुपये रेट, बाकी मेरी तरफ से भाई मैंने इसके अंदर बेल्डिंग और पत्ती पेंट वेंट करा के इसमें मेरा 450 रुपये खर्चा आ गया है। तो बाकी कोई नहीं, 1000 रुपये टोटल इसका खर्चा है, और बाकी आप लोग ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी डिलीवरी वगैरह कराओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्नू भाई की शॉप पे आपको टोटली सारा काम देखने में मिल जाता है। बाकी अपनी केदार कैसी लग रही है भाई? मज़ा आ गया कन्नू भाई, दिल खुश एकदम। और यहाँ पे कन्नू भाई की शॉप पे आई हुई थी एक अपनी एविटर, एविटर है ना अपनी आई हुई थी एविटर, यहाँ पे एक चल रही है भाई पूरी बॉडी अपनी रैप, जो कि भाई देखो ये अपनी ओरिजिनल पेंट है, जो कि भाई यहाँ पे अभी इस टाइम इसकी हालत कंडीशन देख सकते हो कितनी ज़्यादा बुरी होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे कन्नू भाई ने अपनी यहाँ पर रैप की है वाइट कलर की, जो कि भाई ये रैप हुई है और ये अभी ओरिजिनल है। तो इसमें और इसमें फ़र्क देखो कन्नू भाई की हाथ की फिनिशिंग काम देखो भाई, क्या चेक करो यार, क्वालिटी एक नंबर है, बॉर्डरिंग एक नंबर हुई भी है, बवल एक नंबर है, ये बवल इसके अंदर है ही नहीं। तो दोस्तों काम बाकी काफ़ी बढ़िया करते कन्नू भाई, बाकी इस वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करने का टाइम आ गया है। अगर वीडियो में जरा से भी कुछ पसंद आया हो तो एक वीडियो को बढ़िया से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को और भी प्रेस करना जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अपने भाई की इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको सो रही है स्क्रीन पे, लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लिविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड से बड़ों की इज्जत को खुश रहो, एंड बाय बाय, लव यू ऑल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाय बाय।